हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए राहुल मोदी। मैं बॉम्बे से हूं और यहां पर मैं आज आप सब लोगों के बीच में सीए फाइनल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ, इसके बारे में जानकारी देने आया हूं। पहले तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। माय नेम, लाइक आई सेड, आई एम सीए राहुल मोदी। मैं ऑल इंडिया 7th रैंक होल्डर था फाइनल सीए लेवल पर, और यही सब्जेक्ट जो कि है कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ, इसमें मैंने ऑल इंडिया हाईएस्ट 83 मार्क्स की प्राप्ति की थी। और मैं पिछले 5 सालों में मुंबई और चेन्नई में फेस टू फेस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़ा रहा हूं इसी सब्जेक्ट के अंदर। और मुझे ये बोलते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जेम्पशंस की प्राप्ति की है इन्हीं 5 सालों में। तो ये सब्जेक्ट जो आपका है, जो कि है पेपर नंबर 4, जो कि पढ़ता है आपके ग्रुप नंबर 1 में, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। वो क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं। अभी जैसे कि आप सबको पता ही है कि फाइनल सीए में 8 सब्जेक्ट होंगे। यू विल हैव 2 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, और ये जो हमारा सब्जेक्ट बनता है वो पड़ेगा ग्रुप नंबर 1 का आखिरी पेपर, दैट इज पेपर नंबर 4। अभी बच्चे क्या करते हैं फाइनल सीए लेवल पर, वो हमेशा यही सोचेंगे कि मैं अकाउंट्स में अच्छे नंबर लाऊं, मैं एफएम में अच्छे नंबर लाऊं, मैं कॉस्टिंग में अच्छे नंबर लाऊं, मैं डीटी में अच्छे नंबर लाऊं। पर आखिर में क्या हो जाता है, बच्चों के जो थियरी सब्जेक्ट माने जाते हैं, ये जो थियरी सब्जेक्ट माने जाते हैं वो असल में थियरी सब्जेक्ट नहीं है। एक बात मैं आपको बहुत ही गौर से बता दूं कि जो थियरी सब्जेक्ट आप मान के चलते हो कि मैं एंड में कर लूंगा, ओके 3 महीने की मेरी स्टडी लीव है उसमें कर लूंगा, सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल में देख के पढ़ लूंगा, याद रखना ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ये आपको पीछे से बैकफायर होना ही होना है, क्योंकि इन थियरी सब्जेक्ट्स का अंक भी 100 मार्क्स का है। अगर आपने लॉ का पेपर लिखा तो ऐसा नहीं है कि आपको अकाउंट्स में 80 आ गए और लॉ में 30 मार्क आ गए तो भी आईसीएआई पास कर देगा। आप लोगों को सबको पता है, आजकल के स्टूडेंट्स इतने वेल अवेयर है, सबको ये बात पता है कि इसका जैसा सब्जेक्ट जो है वो इंस्टीट्यूट ने हमेशा अपने निशाने पे रखा हुआ है। इट्स ऑलवेज ऑन द आईसीएआई रडार एंड दे आर पुलिंग अप स्टूडेंट्स एंड नॉट गिविंग देम मार्क्स ओवर देयर। तो बात ये करना चाहता हूं मैं यहां पर कि ये जो आपका सब्जेक्ट मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं आपके साथ, जो कि है पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ, वो क्यों महत्वपूर्ण है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपसे कहा कि मुझे आया था ऑल इंडिया 7th रैंक। वो क्यों आया था? अकाउंट्स की वजह से नहीं, अकाउंट्स में मेरे सिर्फ 50 नंबर आए थे। एफएम की वजह से नहीं, एफएम में मेरे सिर्फ 70 नंबर आए थे। बट आई एंडेड अप स्कोरिंग वेल इन लॉ एज वेल एज इसका। लॉ और इसका, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आपकी एग्रीगेट को बूस्ट मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते, बट मैं ये बताने की ट्राई कर रहा हूं कि हर एक सब्जेक्ट का खुद का एक अप्रोच होता है, और वो अप्रोच को लेके चलने में ही समझदारी है। मार्केट्स में आपको कई किताबें मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट के लिए, पर वो किताबों में आपको सेक्शंस मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, पीएम मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा, पर आपको सब्जेक्ट को कैसे लेकर आगे चलना है वो शायद आपको कहीं नहीं मिल पाएगा, और वही देने के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये सब्जेक्ट पढ़ाते समय, ये सब्जेक्ट जनरली लोगों के मन में ऐसा होता है कि नहीं यार ये तो थियरी सब्जेक्ट है, एंड में कर लेंगे। ये थियरी सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट अभी इतना महत्वपूर्ण हो गया है इसलिए नहीं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है कंपनीज एक्ट 2013, विच वॉज पास्ड एंड गिवन द प्रेसिडेंट्स असेंट ऑन 30th अगस्त 2013। तो ये जो नया लॉ आया है वो ही नहीं, नया लॉ तो आ ही गया है, और वो नए लॉ को आके एक साल भी नहीं हुआ कि हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, 26th of May 2015 को गवर्नमेंट लेके आ जाता है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि द इकोनॉमी इन विच वी आर सर्वाइविंग, आज की जो इकोनॉमी है वो इतनी डायनेमिक है, वो इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो रही है कि यहां पर लॉ बदलते देर नहीं लगती, पलक झपकते लॉ बदल जाते हैं।
अभी कुछ ही दिनों पहले गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है, गवर्नमेंट मीनिंग द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लागू कर दिया है EIPO. व्हाट डू यू मीन बाय IPO? IPO का मतलब क्या होता है? IPO का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर. मतलब अगर मेरी कंपनी को बाजार जाके लोगों से पैसे चाहिए कि भाई आप लोग मेरी कंपनी में पैसे लगाओ, उसे हम कहेंगे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर. तो ये तो बहुत सालों से चले आ रहा है, ठीक है. तो मेरी पसंदीदा कंपनी है, जैसे मैं एक कंपनी को बहुत ही रिलीजियसली मानता हूं, जो कि है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. ओके, तो वो कंपनी का क्या IPO आ चुका है? यस. पर अभी गवर्नमेंट ने बदलते दौर को मद्देनजर रखते हुए एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं वो लोग. वो कंसेप्ट क्या है? EIPO. आजकल जमाना है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है. आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके मोबाइल से, आपके लैपटॉप से सब चीजें हो जाती है, ठीक है. जैसे कि ये लेक्चर मैं आपके सामने नहीं ले रहा हूं, पर आपको दिख रहा है. दिस इज ओनली थ्रू टेक्नोलॉजी. तो अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर आप स्टार्टअप हो, स्टार्टअप हो मतलब आपके हिसाब से स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप इज टूडेज ट्रेंड. आजकल आप कहीं भी जाओ, किसी भी नौजवान के ग्रुप को देख लो, IITians को देख लो, MBAs को देख लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देख लो, बिजनेसमैन को देख लो, उन सबके दिमाग पे एक ही चीज छाई हुई है. और वो कौन सी चीज है? वो है स्टार्टअप बिजनेस. स्टार्टअप मतलब होता है एक इनोवेटिव आइडिया. आज से 10-12 साल पहले इंडिया में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि भाजी तरकारी घर पे बैठ के आ सकती है. घर पे बैठ के मोबाइल के ऐप से आप बटन दबाइए, सिलेक्ट कीजिए और भाजी तरकारी घर पे आ जाएगी. किसी ने ये नहीं सोचा था कि अगर मुझे टैक्सी चाहिए तो मैं घर पे बैठ के ऐप से टैक्सी मंगा सकता हूं. दैट इज द पावर ऑफ स्टार्टअप. वो है स्टार्टअप का पावर. तो अभी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आप स्टार्टअप हो, आपके पास नई आइडियाज है, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली IPO लेके आ जाओ. IPO का मतलब क्या बताया था? इनिशियल पब्लिक ऑफर. तो कहने का मतलब यहां पर यह बनता है दोस्तों कि जो सब्जेक्ट है लॉ का, वो इतना जल्दी बदल रहा है क्योंकि अपनी गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी बदल रही है. मेरे ख्याल से आप लोगों ने मेरा नाम ध्यान से नहीं सुना. मेरा नाम है CA राहुल मोदी. और आप सबको पता है 2014 से क्या हो चुका है? मोदी सरकार. तो यहां पर जो मोदी सरकार है, उन्होंने इतने नए नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाए हैं. ओके, राइट फ्रॉम बिजनेस, राइट फ्रॉम मेक इन इंडिया, दे आर ट्राइंग टू डिजिटलाइज एवरीथिंग. एंड ऑफकोर्स जब भी आप कंट्री की इकोनॉमी में बदलाव लाएंगे तो कंट्री के लॉज को उसके साथ चलना होगा. तो हर एक लॉ में आप बदलाव देखेंगे. अगले साल बहुत ही जल्द आ जाने वाला है आपका नया लॉ. कौन सा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सो द पॉइंट इज, फाइनल CA पे जैसे ही आप कदम रखते हैं, ठीक है, IPCC की बातों को आप भूल जाइए. IPCC ने आपने जो पढ़ लिया, फाइनल CA में जैसे ही आप कदम रखते हैं, आपको बहुत सारी नई चीजें सीखनी पड़ेंगी. और नई चीजों के साथ साथ जो करंट ट्रेंड्स ऑफ द इकोनॉमी है, उनको आपको सीखना पड़ेगा. एंड इफ यू लुक एट योर सब्जेक्ट ऑफ पेपर नंबर 4, कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ, आई हैव जस्ट वन वर्ड फॉर दैट. इट इज मैग्निफिसेंट. क्योंकि उसका अगर आप कवरेज देखोगे, 2009 के पहले तक ये सब्जेक्ट का नाम कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ नहीं होता था. ये सब्जेक्ट का नाम होता था कॉर्पोरेट लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस. इस सब्जेक्ट का नाम क्या होता था? कॉर्पोरेट लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस. तभी के जमाने में, मतलब 2009 मतलब कोई बड़ा टाइम हो नहीं गया है, 6 साल, पर 2009 और 2015 का अगर आप अंतर देखेंगे, बहुत सारी चीजें बदल गई है. आपका सब्जेक्ट अभी बदल के क्या हो गया है? कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ. ये अलाइड लॉ क्या चीज होती है? अलाइड लॉ होती है जो नए नए कानून इंडिया में आए हैं. द
The year 2002 saw the promulgation of three most important acts which are part of your final CS syllabus. Teen important kanoon lagu ho gaye the 2002 se. Kaun se teen kanoon? First, Competition Act 2002. Second, Securitization Act, jiska pura naam bolte bolte shayad mera ye lecture khatam ho jayega. Sarfasi Act, Securitization. Dhyan se suniyega. Ye agar act ka full form ICI ne thaan liya ke 20-25 mark ke liye puchna hai, to 100 mein se 90 students iska answer nahi likh payenge. Ye act ka naam kya hai? Sarfasi. Par Sarfasi stands for what? It stands for securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest act. ये नाम था, ये act का नाम मैंने अब तक लिया है, which is called as the Sarfasi Act, which is one of the most important legislations in order to salvage the banking sector. ये एक्ट सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है उनकी बहुत सालों से एक ही प्रॉब्लम एरिया है, वो है एनपीए. क्या है वो? क्या है एनपीए? मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कैसे हम लोगों को बाहर लेके आना है, उसके लिए हम लोग ने बनाया है सरफासी एक्ट. यह है दूसरा. Third and one of the most important act again, it is the PML Act. What is that? क्या है वो? PML मतलब Prevention of Money Laundering Act. Money laundering बहुत 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 contentious मुद्दा बन गया है world over. वर्ल्ड ओवर ये जो मुद्दा है इसके बारे में बहुत चर्चा, बहुत actions ली जा रही है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर में अभी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है, जो सब अनएथिकल एंटी सोशल काम हो रहे हैं, वो इसी मनी लॉन्डरिंग की वजह से हो रहे हैं. तो इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग, गौर दीजिएगा, एक्ट का नाम मनी लॉन्डरिंग नहीं है. कोई भी एक्ट आपको ये नहीं सिखाएगा कि मनी को लॉन्डर कैसे किया जाए. एक्ट आपको ये सिखाएगा कि अगर कहीं पर मनी लॉन्डरिंग हो रहा है तो भैया इसको बचाया कैसे जाए. इसके लिए एक्ट का नाम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट. तो अभी क्या हो रहा है, जैसे कि मैं ये बात कर रहा हूं, आपका जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ, अभी आप अलाइड लॉ की अगर बात करेंगे तो उसका भाग बनता है 30 मार्क का, और कॉर्पोरेट लॉ की अगर आप बात करेंगे तो वो बनता है 70 मार्क्स का. पर अलाइड लॉ में नंबर ऑफ चैप्टर्स और नंबर ऑफ एक्ट्स बहुत ज्यादा है, बट दे आर ऑल एट अ ओवरव्यू लेवल. दे आर ऑल एट अ ओवरव्यू लेवल मतलब आपको आ जाएगा सेबी, ICDR गाइडलाइंस. सेबी क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सर उसके बाद क्या बोला? सेबी, ICDR गाइडलाइंस, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट गाइडलाइंस, वो हमको करनी पड़ेंगी. तकरीबन 9 गाइडलाइंस है जिसमें से एक हर एग्जाम में पूछी जाती है कंपल्सरीली फॉर 8 मार्क्स. वो एक सेट क्वेश्चन होता है. उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है अलाइड लॉ का, फेमा 1999. व्हाट इज दैट? द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. ठीक है, वो एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आ जाते हैं आपके कॉम्पिटिशन, सरफासी, पीएमएल एंड लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक और इंपॉर्टेंट कानून को रिफ्रेश करके हमारे सामने पेश किया है. एनीवन, जो कि आपके अलाइड लॉ का हिस्सा बनने वाला है, जो कि आपके अलाइड लॉ का हिस्सा बनने वाला है. कौन सा है वो कानून? द इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2015. The Insurance Amendment Act 2015. मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी CA final student इतनी बारीकाई से हर एक चीज का ध्यान रखकर एग्जाम लिखने नहीं जाता है. अभी मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. मैंने बोला था कि 2009 तक ये सब्जेक्ट का नाम क्या था?
ये सब्जेक्ट का नाम क्या था? ये सब्जेक्ट का नाम था कॉरपोरेट लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। तो कॉरपोरेट लॉ मतलब कंपनीज एक्ट जो है उसमें डायरेक्टर्स करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, डायरेक्टर्स। ओके, तो वो टॉपिक आईसीएआई की नजरों में इतना ऊपर उठ चुका था कि आईसीएआई वो हर एक एग्जाम में वो टॉपिक में से कम 40-50 मार्क के क्वेश्चंस पूछते थे। तो ये हो गया था स्टूडेंट्स के लिए नैरो एस्केप। वो क्या करते थे, यही चैप्टर पढ़ के जाएंगे, यही चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे, इसको लिखेंगे और वो पेपर में पास हो जाएंगे। ये आईसीएआई को रियलाइज होने लगा। इसके लिए आईसीएआई ने क्या स्टेप उठाया, उन्होंने कर दिया ये चैप्टर का वेटेज कम। अब से अगर आप कोई भी आईसीएआई की एग्जाम देखेंगे, डायरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर उसका जो वेटेज था 40-50 वो अब घट के हो चुका है 20-24 मार्क्स, क्योंकि बच्चों को ये आदत ना लग जाए कि वो सिर्फ एक टॉपिक पकड़ के एग्जाम में बैठ गए, उसमें मार्क्स आए और वो निकल गए। द ओनली थॉट विच आईसीएआई हैज नाउ इज दैट एवरी स्टूडेंट शुड गो फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। तो कौन देगा ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, क्योंकि आप अगर एग्जाम में ऑप्शंस रख के जाओगे तो मेरे पास सिर्फ एक ही डायलॉग है आपके लिए और वो है ऑप्शन नाउ विल बिकम एन ऑब्लिगेशन इन एग्जाम। अगर आपने अभी ऑप्शन रख लिया मतलब एग्जाम में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 10 चैप्टर थे मान लीजिए, उसमें से आपने 6 किए और वो 6 के बाहर में से कोई क्वेश्चन आ गया तो वो बन गया आपके लिए एक ऑब्लिगेशन। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है इस सब्जेक्ट के लिए वो मैं आपको दूंगा दो मॉड्यूल्स, एक होगी कॉर्पोरेट लॉ के लिए, एक होगी अलाइड लॉ के लिए। दोनों मॉड्यूल्स को इतनी बारीकाई से बनाया गया है, कीपिंग इन माइंड ऑल स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स जो कि आईसीएआई के रेडार पे और आईसीएआई के टारगेट क्वेश्चंस में हमेशा होते हैं। तो जो मॉड्यूल बनाई गई है दैट इज मेड वेरी मेटिकुलसली सो दैट इट विल हेल्प यू नॉट पास आउट। अगर आपको पास ही होना है तो मेरे लेक्चर्स क्यों बैठ रहे हो? तो वो मॉड्यूल पढ़ के आप सिर्फ पास नहीं होने वाले, वो मॉड्यूल पढ़ के यू आर एमिंग फॉर 70 प्लस। सर क्या कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ में 70 प्लस आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता। इट्स अ इजी सब्जेक्ट बट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एंड मोर ओवर क्या होने वाला है कि आप जैसे ही सीए बन के बाहर निकलेंगे, आप कोई कंपनी के इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला कि वहां पर आपको सिर्फ अकाउंट्स के क्वेश्चन पूछेंगे, आपको सिर्फ टैक्स के क्वेश्चन पूछेंगे। ऑफ लेट पिछले 2 सालों में ये ट्रेंड देखा गया है दैट दे आर टारगेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम कंपनीज एक्ट। क्यों? क्योंकि जो कंपनीज एक्ट है, मैंने कौन से कंपनीज एक्ट का नाम लिया, 2013, उसके पहले के कंपनीज एक्ट का ईयर कौन सा था? 2013 में जो कंपनीज एक्ट आया वो आया, उसके पहले का कंपनीज एक्ट कभी आया हुआ था बताइए? उसके पहले का कंपनीज एक्ट आया हुआ था 1956 में। अगर आप एक अंदाजा लगा सकते हैं विद अ वेरी वेरी ब्रॉड माइंड कि 1956 में जो एक्ट बना होगा और 2013 में जो एक्ट बना होगा, दोनों के बीच में फॉर श्योर देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज लेवल ऑफ डिफरेंस। 2013 का जो एक्ट है बहुत कंटेम्पररी है। What do you mean by contemporary है सर? मतलब वो आज के बिजनेस डायनामिक्स को मद्देनजर रखे हुए है। पहले का एक्ट आप उठा के देख लो, पेनल्टी होती थी 50 रुपया पर दिन, 100 रुपया पर दिन, 500 रुपया पर दिन। अभी अगर ऐसी पेनल्टीज होंगी तो जो कंपनी है वो क्या बोलेगी, ठीक है ना मेरा लॉस कितना हुआ, 50 रुपया पर दिन दे दिया मैंने। अगर वो भरने से मेरा काम चल रहा है तो 50 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। सो वॉट हैज नाउ हैपेंड कि जो नया एक्ट बनाया है वो लोगों ने बहुत ही डिटेल के साथ बनाया हुआ है। एंड इंडिया
is always reactive. It is never proactive. Sir, मतलब थोड़ा खुल के समझाइए. Not proactive, only reactive. इसका मतलब क्या होता है? मतलब एक चीज होता है कि prevention is better than cure. मतलब कुछ होने से पहले ही आप उसका अंदाजा लगा लीजिए और उसके बारे में तैयारी करके रखिए. पर इंडिया में क्या होता है? इंडिया में होते हैं स्कैम्स, इंडिया में होते हैं बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले, और वो घोटाले होने के बाद गवर्नमेंट को रियलाइज होता है, अरे यार ये तो लॉ में ही लूपहोल है, ये तो हमारे लॉ ही इतने कंटेम्पररी नहीं है. तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग बदलेंगे अपने लॉज को. तो क्या हुआ है इतने पिछले 50-60 सालों में, जैसे कि मैंने बताया कि पुराना एक्ट कितना पुराना था, 1956 का, तो अभी जो नया एक्ट बना है, गवर्नमेंट को इतने सारे स्कैम्स मिले हैं पिछले 50-60 सालों में. उन सब स्कैम से जो भी गवर्नमेंट का लर्निंग है, वो लर्निंग को उन लोगों ने उठा के डाल दिया है कंपनीज एक्ट 2013 में. तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये नया लॉ है, ठीक है, जो आपको सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रखना है, ये आपको ऐसे पढ़ना है कि आप सीए बन जाएं, उसके बाद जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये लॉ आपकी मदद करने वाला है. और ये मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम नाउ. ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बहुत ही सरल तरीके से बता दूं कि जो अप्रोच हम लोग क्लास में लेंगे, ठीक है, वो अप्रोच बहुत ही लॉजिकल होगा. जैसे आप जैसे जैसे मेरे साथ आगे बढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, आपको पता चलेगा हम लोग पहले चालू करेंगे कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 70 मार्क्स. तो जैसे ही मैं उसमें आगे बढ़ूंगा, मैं फर्स्ट सेक्शन से चालू नहीं करूंगा, या फिर मैं सेक्शन वाइज नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा लॉजिक वाइज, ताकि अब जैसे ही ये सब्जेक्ट मेरे साथ करें और जैसे ही ये सब्जेक्ट मेरी दी हुई मॉड्यूल से पूरा कर ले, उसके बाद आपको ये सब्जेक्ट कहीं और से करने की जरूरत नहीं है. जो ये पूरा 100 मार्क्स है, ये आप सिक्योर कर सकते हैं और ये एंश्योर कर सकते हैं कि इसका जो रिविजन होगा वो बखूबी होगा और वो बहुत फास्ट होगा, क्योंकि हम पूरा लॉजिकली इसको समझने वाले हैं और हर एक चीज में इतनी निटिग्रिटी से जाएंगे कि अगर एग्जाम में कोई भी डिफिकल्टी से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर आप उसका आंसर बखूबी दे सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? अभी सीए फाइनल का आंसर देना कोई बड़ा बात नहीं है. अगर आप सीए फाइनल का कोई भी पेपर लिख रहे हो तो एक बात याद रखना, उसका आंसर देना कोई बड़ा बात नहीं है, उससे बड़ा बात है क्वेश्चन को समझना. सर ये क्या बोल रहे हैं आप, जरा खुल के बताइए. मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके सामने लॉ का क्वेश्चन पेपर आ गया, अभी मैं लास्ट अटेम्प्ट की बात करूंगा, जब लॉ का क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स ने देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन आधे पेज से बड़े थे, तो स्टूडेंट्स उसी में हक्का बक्का रह गए कि अरे यार ये क्वेश्चन इतना बड़ा है तो आंसर कितना बड़ा होगा. समझने की बात यह है कि स्टूडेंट्स हमेशा ये भूल जाते हैं कि ICAI की पुरानी आदत है स्टूडेंट्स के इमोशंस के साथ खेलने की. वो क्या करेगी? वो आधे पेज से भी बड़ा क्वेश्चन दे देगी जिसमें रेलेवेंट मैटर 4 लाइन भी नहीं होगा. उसमें रेलेवेंट मैटर 4 लाइन भी नहीं है तो सर आधे पेज का क्वेश्चन क्यों है? अगर वो 4 लाइन का ही क्वेश्चन होता तो ये सीए एग्जाम क्यों है? समझ में आ रही है बात? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि वो लोग आपको बड़े क्वेश्चंस देंगे और उसमें छोटी छोटी बातों में ट्विस्ट लाएंगे, और वो ट्विस्ट सिर्फ वो ही बंदा या बंदी समझ पाएगा जिसने लॉ को समझा है, ना कि जिसने लॉ को रट्टा मारा है. तो एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी आप मेरे साथ ये क्लास बैठेंगे तो जो अप्रोच हम यूज करने वाले हैं वो ऐसा अप्रोच होगा जिससे आपको लॉ समझ में आ जाए. मुझे कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आप मेरा लेक्चर बैठे वो आप रट्टा मरे, एग्जाम के दिन पे लिखे, बाद में छू मंतर. नहीं, ये लॉ आपको याद रहना चाहिए, इसके लिए हम इसको लॉजिकली आके लेके जाएंगे. तो ऑल इन ऑल व्हाट आई वांट टू टेल यू इन द बिगिनिंग इज द वे इन विच वी विल कॉम्प्रीहेंड दिस एंटायर सब्जेक्ट इन द लेक्चर्स टू कम फ्रॉम नाउ इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली लॉजिकल. 3-4 ऑब्जेक्टिव्स होंगे
मेरे ये लेक्चर्स के सेशंस के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कि आपको लॉ समझना चाहिए, रट्टा नहीं होना चाहिए. सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम लोग लॉ के हर एक सेक्शन को कहीं ना कहीं कोरिलेट कर सके. सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर एग्जाम में दो सेक्शन को जोड़ के एक क्वेश्चन तैयार किया गया, अगर दो अलग सेक्शन को जोड़ के एक क्वेश्चन तैयार किया गया तो आप उसका आंसर कैसे देंगे? सर ये तो नहीं पता. तभी आपका कोरिलेशन स्किल्स काम आने वाला है. अगर आपको कोरिलेट करने को आ गया, ट्रस्ट मी दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी अ केक वॉक यू. ये सब्जेक्ट में फिर आपको 70 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, ट्रस्ट मी, क्योंकि आपको लॉ इतना स्मूथली समझ जाएगा कि आपको इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. आप अपने आप को रिलेट करने लगेंगे चीजों को. और तीसरा ऑब्जेक्टिव ये होने वाला है कि चलो ठीक है, अगर मैं एक सर्वे करूं 100 बच्चों का, तो 100 बच्चों में से 80 बच्चे ऐसे निकलेंगे जिनको लॉ बढ़िया समझता है, जिनको लॉ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जिनको कोरिलेशन भी आता है. पर एक प्रॉब्लम है. सर अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि उनको समझ बहुत अच्छे से आता है, कोरिलेट बहुत अच्छे से होता है, पर जब भी बारी आ जाती है लिखने की, वो वहां पे ठंडे पड़ जाते हैं. तो क्या होता है कि लिखने की बारी आ गई तो वहां पर वो ठंडे पड़ गए. मतलब सर मुझे सेक्शन सब याद है? हाँ याद है. क्या कोरिलेशन सब याद है? हाँ याद है. तो क्या आंसर लिख पाएगा? नहीं सर. इसका मतलब ये होता है कि देर इज अ गैप बिटवीन यू अंडरस्टैंडिंग अ प्रोविजन एंड यू एक्सप्रेसिंग दैट इन योर आंसर शीट्स. तो हम लोग एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है ये भी क्लास में डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको ना ही लॉ समझ में आ जाएगा, पर आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे एग्जाम में. जैसे कि हम लोग 10th और 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम में कैसे जाते हैं? बहुत कॉन्फिडेंस होता है बच्चों में, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस उनको आता है, तो कोई डर ही नहीं होता मन में. और फाइनल सीए में एक ही चीज होता है, यार मैंने इतना बड़ा पोर्शन था, आधा पढ़ा है, 25% याद है, 5% के क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 1% भी मैं नहीं लिख पाऊंगा. तो हम लोग वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने वाले हैं. एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मैं मेरे ये तजुर्बे से बोल रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम. इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम. अगर आपने मानसिक तरीके से सोच लिया है ये सब्जेक्ट में मुझे ये मार्क्स लाने हैं या ये सब्जेक्ट में मुझे आगे बढ़ना है, तो आपको कोई नहीं रोक पाने वाला है. तो थ्री ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट आई मेंशन्ड जस्ट सम टाइम बैक? फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजन, नॉट मगिंग देम अप. सेकेंड वन, व्हाट इज दैट? कोरिलेशन बिटवीन सेक्शंस. एंड द थर्ड वन, कम ऑन रिपीट दैट फॉर मी, द थर्ड वन इज व्हाट? प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स इन योर एग्जामिनेशन. सो ये तीन उद्देश्य के साथ मैं मेरा ये जो सब्जेक्ट है वो शुरू करने वाला हूं और आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं. अभी एक बड़ा सा डिस्क्लेमर बिफोर आई गो अहेड. अभी मेरा जो ये लेक्चर होगा ये हिंदी इंग्लिश ब्लेंड में होगा. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरी की पूरी बातें हिंदी में बोलूंगा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरी की पूरी बातें इंग्लिश में बोलूंगा. Since all of you are supposed to write your exams in what? Hindi? No, in English. तो हम क्या करेंगे कि हम लोग हर एक चीज का दो explanation रखेंगे. एक होगा English में, एक होगा Hindi में. But at the end of the day, I would personally want, मैं personally चाहूंगा कि आप सब लोग जितना हो सके English में बात करना चालू करें, English में समझना चालू करें, ताकि जब भी आप एग्जाम के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखें तो तभी आपके पास वो फ्लेयर ऑफ राइटिंग आ जाए. क्योंकि आप अगर ये सब्जेक्ट्स देखेंगे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ, एडवांस ऑडिटिंग, इन सब में आप आंसर्स कैसे प्रस्तुत करते हैं या फिर हाउ डू यू प्रेजेंट योर आंसर्स, दैट इज द की फैक्टर. और ICAI उसी पे आपको टेस्ट करने वाला है. तो मेरा उद्देश्य बहुत सिंपल है कि मैं दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा आपके साथ, ठीक है, हिंदी भी इंग्लिश भी, दोनों भी. बट मुझे चाहिए कि आपका जो फ्लेयर ऑफ लैंग्वेज है वो आप आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते जाएं, ठीक है. तो दैट इज द बेसिक्स अबाउट
व्हाट वी आर गोइंग टू डू, और एक बात मैं बहुत ही दावे और अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं कि हम जैसा ये सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं लॉजिकल अप्रोच में, मैं अभी ज्यादा बोलूं वो सही बात नहीं होगी, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि इसके सिवा बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये दो बुक्स जो मैं आपको दूंगा, छोटी छोटी बुक्स है, बहुत बड़ी नहीं है, अगर आपने वो दोनों बुक्स कर ली, एक कॉर्पोरेट लॉ एक अलाइड लॉ, आपके ये 100 मार्क्स सिक्योर हो गए। ठीक है, सो पेपर नंबर 4, ग्रुप नंबर 1, कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ। तो अभी हम लोग आज के दिन पे चालू करेंगे एक ऐसी एक्सरसाइज जिससे मेरा बहुत फायदा होगा। कैसा सर है, पहले कोई स्टूडेंट का फायदा सोचता है या खुद का फायदा? नहीं, मैं मेरा फायदा सोच रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर में हम उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको ऑलरेडी आईपीसीसी लेवल में समझ के बाहर आना चाहिए था, बट ये मेरा तजुर्बा बोलता है इतने सालों से कि बच्चा जब भी आईपीसीसी में होता है और जब भी फाइनल में आ जाता है तो वो एक प्रिजम्पशन के साथ आता है। सर कैसा प्रिजम्पशन? वो प्रिजम्पशन ये होता है कि वो सोचता है कि उसको आईपीसीसी सब आता है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उसका आईपीसीसी जो उसने किया होता है वो इतना हैफेजर्डली किया होता है, इसमें किसी की गलती नहीं है, ना क्लासेस की, ना बच्चे की, ना आईसीएआई की। अभी वो उम्र ही ऐसी है, वो कोर्स ही ऐसा है कि आप बहुत लॉजिकली सोच नहीं पाते हैं क्योंकि आपका उतना एक्सपोजर नहीं होता है। अब आईपीसीसी के बाद जब भी आपकी आर्टिकलशिप वगैरह शुरू होती है तो आपका दिमाग शुरू हो जाता है चलना, हर नई दिशा में सोचना, पर जब भी आप आईपीसीसी की पढ़ाई करते हो तभी आपको कोई खास एक्सपोजर नहीं होता है, सो दैट टाइम योर विंग्स आर कट एंड यू आर लेफ्ट डाउन विद मियरली मगिंग अप द सेक्शंस मेनी ऑफ द टाइम्स। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लॉजिकली चीजों को समझ वगैरह नहीं पाते हैं, तो हम क्या करेंगे आज? आज हम लोग पहले ये ट्राई करेंगे कि जो आगे मुझे फाइनल सीए में या फाइनल सीए के लॉ की पढ़ाई में आईपीसीसी का जितना भी सामान लगने वाला है वो मैं आज का आज आपको शांति से समझा दूं, लॉजिकली समझा दूं, ताकि आगे जाके जब भी मैं फाइनल सीए के एडवांस चैप्टर्स का डिस्कशन आपके साथ करूं और वो मान लो एक टॉपिक आ गया या एक कंसेप्ट आ गया और मैं ये सोच के चलूंगा कि यार ये तो आईपीसीसी का है तो मेरे सामने बैठे वाले हर बच्चे को तो इसका नॉलेज होगा ही होगा, तो वो अगर मैं समझ के चलूं और बाद में पता चला कि स्टूडेंट्स को तो इसका आइडिया ही नहीं था तो ये मेरे सब्जेक्ट के लिए बुरा हो जाएगा और आपके समझने के लिए बुरा हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ही एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे टू अंडरस्टैंड एंड क्लेरिफाई योर बेसिक्स एट आईपीसीसी लेवल। एम आई क्लियर? कम ऑन ऑल ऑफ यू, गिव मी अ यस। क्या है, मुझे यस सुनने की बहुत आदत है और जब तक स्टूडेंट्स यस नहीं बोलते हैं, गो अहेड सर नहीं बोलते हैं, मेरी गाड़ी अटक जाती है। तो मैं चाहता हूं कि ये हमारा सेशन जो है, मैं हर बार आपको एक मौका दूंगा इंटरेक्शन का, आंसर्स बोलने का, तो मुझे चाहिए कि आप लोगों की तरफ से आंसर्स आने चाहिए, बिकॉज इफ यू स्टार्ट थिंकिंग यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग रुख मोड़ते हैं। टूवर्ड्स कंपनीज एक्ट 2013, तो अभी जो हमारा अभी जो आगे का जो लेक्चर होने वाला है अभी, उसमें मैं काफी सारी चीजें कंपनीज एक्ट 2013 की आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। घबराने की कोई बात नहीं है और लिखने की भी कोई बात नहीं है, जो भी चीजें मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, वो सब की सब चीजें मॉड्यूल में मौजूद होंगी। तो आपको अभी क्या करना है सर? तो आपको अभी सिर्फ शांति से बैठना है, हर एक कंसेप्ट जो मैं आपके सामने लाता रहूंगा उसके बारे में सोचना है और आंसर्स देने हैं, जिसका मैं आंसर्स खुद भी दूंगा। ठीक है, तो अब हम चालू करेंगे आपके कवरेज के साथ। तो अगर आप कवरेज को देखते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट का जो कवरेज बनता है पूरे 100 मार्क्स का, वो है कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स एंड अलाइड लॉ 30 मार्क्स। ठीक है, तो कॉर्पोरेट लॉ जो बनता है वो पूरा का पूरा होगा कंपनीज एक्ट 2013। सर उसमें नीचे आपने कुछ लिखा है चैप्टर 8 ऑनवर्ड्स, उसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। पूरा अगर आप नया कंपनीज एक्ट देखेंगे, ठीक है, अच्छा नए कंपनीज एक्ट के बारे में बोलूं उसके पहले थोड़ा टेस्टिंग हो जाए,
पुराना कंपनीज एक्ट कितना बड़ा था, कितने सेक्शंस होते थे उसमें, कितने होते थे बताइए? उसमें तकरीबन 650 सेक्शंस थे, पुराने कंपनीज एक्ट में तकरीबन 650 सेक्शंस थे, जिसमें से काफी सेक्शन तो ओमिट हो चुके थे। ठीक है, तो सर नए कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शंस है? नए कंपनीज एक्ट में है कुल मिला के 470 सेक्शंस। सर क्या ये सबका सब हमारा सिलेबस है? नहीं, द न्यू कंपनीज एक्ट इज मेड अप ऑफ 470 सेक्शंस एंड इट इज डिवाइडेड इनटू, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? इट इज डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। कंपनीज एक्ट 2013 मेड अप ऑफ 470 सेक्शंस इज डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स एंड इज सपोर्टेड बाय 7 स्केड्यूल्स, इज सपोर्टेड बाय 7 स्केड्यूल। तो 470 सेक्शन है, 29 चैप्टर में उनको बांटा गया है और एक्ट के बाद है 7 स्केड्यूल। तो सर इसमें से हमको क्या एप्लीकेबल है? देखिए वहां पे पढ़ लीजिए क्या लिखा है मैंने, कंपनीज एक्ट 2013 चैप्टर 8 ऑनवर्ड्स। तो आपके कुल मिला के है 29 चैप्टर्स, जिसमें से फर्स्ट 7 चैप्टर्स आ जाते हैं आईपीसीसी के अंदर, और आपका सिलेबस शुरू होता है कहां से? चैप्टर 7 के बाद, मतलब चैप्टर नंबर 8। बट जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको दिखेगा कि मैं चैप्टर 7 की बात भी कर रहा हूं। सर आप वो क्यों कर रहे हैं? वो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए कि आपका बेस जो है वो रॉक सॉलिड बन जाए। सर तो मतलब आप पूरा चैप्टर 7 पढ़ाएंगे जो सिलेबस में भी नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। जो भी उसमें से रेलेवेंट है मैं उसको उठाऊंगा और यहां पे आपके बीच में पढ़ाऊंगा, सो दैट व्हेन वी गो अहेड इन आवर एक्चुअल स्टडीज तभी आपको पढ़ाई करने में बहुत ही आसानी हो जाए। समझ में आ रही है बात? यस दोस्तों, ठीक है। तो यस, लेट अस गो फर्दर। सो इट इज 70 मार्क्स ऑफ योर कंपनीज एक्ट 2013 एंड 30 मार्क्स ऑफ योर अलाइड लॉ। अगर आप अलाइड लॉ की तरफ गौर फरमाएंगे तो उसमें से ऑलमोस्ट हर एक एक्ट के बारे में मैं आपको ब्रीफ दे चुका हूं। तो ये आपका बेसिक स्प्लिट होता है ऑफ 70 एंड 30 मार्क्स। तो सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक्स को स्ट्रांग, एंड बेसिक्स को स्ट्रांग हम करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 को स्टार्ट करके चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या होता है? प्रिलिमिनरी एंड डेफिनेशन, और डेफिनेशन को गौर से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सर कितने डेफिनेशन होंगे कंपनीज एक्ट 2013 में? 95। पिन ड्रॉप साइलेंस। सर कितने डेफिनेशन होंगे कंपनीज एक्ट 2013 में? आंसर रिमेन सेम, 95। सर क्या वो सब हमको याद करने हैं? नो। साय ऑफ रिलीफ। द पॉइंट इज कि ये सेक्शन 2 है, ऑफ कोर्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं उसमें से वो हर डेफिनेशन को उठाने वाला हूं जो आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पे हमारे फाइनल सीए का बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग रखा हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट ऑफ विथ चैप्टर नंबर 1, प्रिलिमिनरी एंड डेफिनेशन। सबसे पहला सर, चलो आपने तो बोल दिया डेफिनेशन, पर डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा है? हर एक एक्ट में, आप कंपनीज एक्ट ले लो, आप इनकम टैक्स एक्ट ले लो, आप कोई भी एक्ट ले लो, हर एक एक्ट में डेफिनेशन आर फाउंड इन विद सेक्शन। अरे कोई तो बोलो, डेफिनेशन आर फाउंड इन सेक्शन नंबर 2। डेफिनेशन आर फाउंड इन सेक्शन नंबर 2। तो सेक्शन नंबर 2 इज डेफिनेशन। तो सर इसका मतलब आप सेक्शन नंबर 1 नहीं कराएंगे? अरे कराऊंगा, पूरा कराऊंगा, बट लेट अस अंडरस्टैंड। सेक्शन नंबर 1 विल टॉक अबाउट द एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, मतलब कि ये एक्ट कहां कहां पे एप्लीकेबल होगा, कौन सी कंपनीज में एप्लीकेबल होगा। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं सर, क्या ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होगा? सर फिर से बोलो, क्या ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होगा? होगा, ठीक है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं था। लेट मी आस्क 2-3 मोर क्वेश्चन। सर आपने बोला ये कंपनीज एक्ट है, पर मैं बैंक हूं, मेरा नाम है HDFC बैंक, मेरा नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, तो क्या ये कंपनीज एक्ट मुझे एप्लीकेबल होगा? अब बताइए,
सेकेंड क्वेश्चन, सर मेरा नाम है LIC ऑफ इंडिया, मेरा नाम है GIC ऑफ इंडिया, मेरा नाम है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो क्या ये एक्ट मुझे एप्लीकेबल होगा? चलो ये भी सोच लेते हैं। थर्ड, सर मेरा नाम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी टाटा पावर, रिलायंस पावर, तो क्या ये एक्ट मुझे एप्लीकेबल होगा? सर आपने इन तीन कंपनीज को ही क्यों चूज किया है? कोई इसके पीछे लॉजिक है? नहीं सर, मैजिक है। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है दैट दीज थ्री कंपनीज आर गवर्न्ड बाय सेपरेट स्टैट्यूटरी लॉज। इसका मतलब क्या है? बैंकिंग कंपनी का एक्ट कोई है? सर होगा, हमें क्या पता। अरे है, इट इज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सर इंश्योरेंस कंपनी का एक्ट कोई है? अरे है क्या, इट इज द इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2015। बत्ती जली, ऑल ऑफ यू, आई टॉक्ड अबाउट इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट समटाइम बैक। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्ट अब भी 2003 में उसको अमेंड किया गया है। तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये तीन जो कंपनीज है, ये तीन के नाम के आपने फॉर्मेट चैप्टर्स भी किए थे IPCC में, या तो वंस अपॉन ए टाइम जब ये आप IPCC में थे तो इसके फॉर्मेट चैप्टर जरूर किए होंगे आपने। तो अभी ये तीन कंपनीज जो है, तो कि अलग अलग एक्ट से गवर्न्ड है, तो विल दिस सेक्शन और विल दिस एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बी एप्लीकेबल टू दैट? चलो अपनी आंखों से देख लेते हैं, पर देखने से पहले द आंसर इज येस, इट इज एप्लीकेबल। सेक्शन 1, रीड इट फॉर योरसेल्फ, कम ऑन। क्या ये कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड पावर जनरेशन? एंड द आंसर इज येस। बट एक चीज में आपको बहुत गौर फरमाना पड़ेगा, और यहां पर मैं फॉर द फर्स्ट टाइम एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। पर वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने के पहले मुझे चाहिए कि आप लोग गौर से, शांति से ये सेक्शन नंबर 1 को पढ़ लें, जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। कोई कुछ भी लिखे नहीं, लिखना ड्यूप्लीकेशन होगा, क्योंकि जो मॉड्यूल है उसमें ये सब मौजूद है। आपका काम अभी सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ना और समझना है। अरे ठीक है, चलिए। तो मैं आपके सामने अभी इंट्रोड्यूस करने वाला हूं एक नया कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आता है एक चैप्टर में जो हम बाद में करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको ये दिखा भी सकता हूं। राइट साइड में नीचे की लाइन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जो एक चैप्टर है, ये उसका कंसेप्ट है जो हम बाद में करेंगे। पर अभी यहां पर क्या आने वाला है, एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, सर उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि मैं एक बैंकिंग कंपनी हूं, मैं एक बैंकिंग कंपनी हूं, मतलब मेरा नाम है ICICI बैंक लिमिटेड। तो मैं कहां पर फॉर्म हुआ हूं? मैं फॉर्म हुआ हूं अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। पर सर मैं तो लिमिटेड कंपनी, मतलब मैं कंपनी हूं कि नहीं हूं? तुम एक कंपनी भी हो, तो अब कंपनी हो तो कहां पर फॉर्म हुए हो? सर कंपनीज एक्ट 2013। तो अभी मैं गवर्न्ड हूं बाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 या कंपनीज एक्ट 2013? यहां पर कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन को दूर कौन करेगा? प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि जब भी कोई गिवन मैटर पे या गिवन स्टैट्यूट पे आपको दो से ज्यादा लॉ एप्लीकेबल हो जाते हैं, जैसे मैं एक बैंक हूं, क्या बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में गवर्न्ड है? यस। क्या बैंक एक कंपनी है, तो क्या वो कंपनी एक्ट से गवर्न्ड है? यस। तो ये कंफ्यूजन है।
तो कंफ्यूजन ये है कि बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से गवर्न होना है या कंपनीज एक्ट से गवर्न होना है। तो ये कंफ्यूजन दूर करेगा प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। जो क्या बोलता है, जो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जब भी कोई गिवन सब्जेक्ट मैटर पे दो या दो से ज्यादा प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं तो आपको उस प्रोविजन को अप्लाई करना है जो जनरल नहीं स्पेसिफिक है। तो आपको उस प्रोविजन को अप्लाई करना है जो जनरल नहीं स्पेसिफिक है। सर ये बात तो ठीक है, पर यहां पे जनरल क्या है स्पेसिफिक क्या है, मैं समझाता हूं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जनरल है या स्पेसिफिक है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जनरल है या स्पेसिफिक है? वो सिर्फ और सिर्फ बैंक को अप्लाई होगा तो वो स्पेसिफिक है। कंपनीज एक्ट 2013 जनरल है या स्पेसिफिक है? सर मैं एक प्राइवेट कंपनी हूं तो क्या कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा? होगा। सर मैं पब्लिक कंपनी हूं क्या कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा? होगा। तो कंपनीज एक्ट जनरल है या स्पेसिफिक है? जनरल है। तो यहां पर अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड हूं तो मुझे कौन से एक्ट से गवर्न होना चाहिए? इट इज द स्पेसिफिक एक्ट। एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक एक्ट? दैट इज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये जो प्रिंसिपल की बात हम लोग ने अभी की है, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, उसका उपयोग आप तभी करेंगे जब ये एक प्रोविजन है या एक सब्जेक्ट मैटर है जिस पर दो या उससे अधिक एक्ट या सेक्शन लागू पड़ते हैं। तो वहां पर आपको देखना है कि कौन सा स्पेसिफिक सेक्शन है, कौन सा स्पेसिफिक एक्ट है, और वो वापरा जाएगा, ना कि जो जनरल एक्ट या जनरल सेक्शन है। समझ में आता है किसी को? अरे हाँ या ना दोस्तों? यस। तो दैट इज योर सेक्शन नंबर वन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, इट स्प्रेड्स एंड इज एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री, नो बारिंग टू जे एंड के बिकॉज ऑफ द वर्ड्स रिटन ओवर देयर वेरी एक्सप्रेसली। क्या है वो? इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पर जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी है, जहां जहां पर कॉन्फ्लिक्ट आता है वहां वहां पर वो रिस्पेक्टिव एक्ट अप्लाई हो जाएंगे, कंपनीज एक्ट पीछे आ जाएगा। ठीक है, बट ध्यान रखा जाए सिर्फ जहां पर कॉन्फ्लिक्ट आएंगे वहीं पर अपने रिस्पेक्टिव एक्ट अप्लाई होंगे, जहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो कंपनीज एक्ट ही अप्लाई होने वाला है। समझी बात? पक्की बात? ऑल ऑफ यू? चलो अभी आगे चलते हैं। अभी आगे का जो दौर होने वाला है यहां से मैं आपको बता दूं जरा संक्षेप में कि हम लोग बहुत सारे डेफिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं। सर मतलब डिफिकल्ट होंगे, हमको रट्टा मारना पड़ेगा, क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मैं जो बोलूं वो सुनना है, समझना है और आगे जाके उसको कैसे कोरिलेट कर रहा है वो ध्यान में रखना है, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वी आर मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, डेफिनेशन ऑन टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है ना सर? टाइप्स ऑफ कंपनीज कितनी होंगी? दो तो टाइप की कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। अच्छा देखते हैं कितने टाइप्स की कंपनी होती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग 11 टाइप्स की कंपनी करने वाले हैं, हम लोग 11 टाइप्स की कंपनी करने वाले हैं यहां पर। तो लेट अस स्टार्ट। नहीं मैं आपको स्लाइड नहीं दिखाऊंगा, पहले मैं आपको पूछूंगा। चलिए पहली कंपनी जो हम चालू कर रहे हैं अभी, सब लोग एकदम ध्यान से, कुछ नया नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो आप पहले से पढ़ के आए हैं। तो सर लेक्चर बैठने का फायदा क्या? फायदा आज नहीं पता चलेगा। जब आप LIC भरते हैं तो पहले प्रीमियम के बाद फायदा नहीं मिलता है, फायदा आपको आगे के लेक्चर्स में पता चलेगा। सर पक्का पता चलेगा? 100%, दैट्स माय सेइंग विद अथॉरिटी, ट्रस्ट मी। चलिए फर्स्ट पॉइंट या फिर फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी? सोचिए, बहुत सारे आंसर्स होंगे आपके पास। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी बताइए। एक आंसर जो मैं नहीं सुनना चाहूंगा,
एक आंसर जो मैं नहीं सुनना चाहूंगा, फॉर अ प्राइवेट कंपनी. सर प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी. ये बकवास मैं नहीं सुनूंगा, मत बोलिएगा. देन व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी. चलिए फीचर्स ही बता दीजिए. प्राइवेट कंपनी क्या होती है? बताइए प्राइवेट कंपनी क्या है? अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड बाय इट्स आर्टिकल्स हैज 3 पॉइंट्स. कम अगेन सर, प्राइवेट कंपनी क्या होता है? प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स हैज द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स. विच फॉलोइंग 3 पॉइंट्स सर? इट लिमिट्स, रेस्ट्रिक्ट्स, प्रोहिबिट्स. रिपीट कीजिए मेरे साथ. इट लिमिट्स, रेस्ट्रिक्ट्स, प्रोहिबिट्स. सर व्हाट डज इट लिमिट? इट लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी कितने हो सकते हैं? 200. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी कितने हो सकते हैं? 200 मेंबर्स ओनली. क्या ये आपको पता था? हाँ सर, मुझे पता था. पुरानी एक्ट में, 1956 की एक्ट में, प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते थे? 50. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी कैन बी 50. न्यू कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 200. रिपीट करता हूं, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख होता है और जिसके पास 3 पॉइंट होंगे, लिमिट, रेस्ट्रिक्ट, प्रोहिबिट. सर वो क्या लिमिट करेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. सर वो क्या रेस्ट्रिक्ट करेगा? देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स नहीं है, ये HDFC बैंक के शेयर्स नहीं है, ये कैफे कॉफी डे जो रिसेंटली लिस्ट हुआ है उसके शेयर्स नहीं है. क्या आपने सुबह को ब्रोकर को फोन किया और बोला कि मुझे ये शेयर्स बेचना है या खरीदना है? नो, ये प्राइवेट कंपनी है, इजीली शेयर्स बिक नहीं सकते, इसके लिए रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर. सो उसके बाद का एक पॉइंट क्या बोला? थर्ड पॉइंट, प्रोहिबिशन. व्हाट इज प्रोहिबिटेड? इट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट शेयर्स एंड सिक्योरिटीज. मतलब इट इज प्रोहिबिटेड टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स एंड सिक्योरिटीज. सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो और आपको फंड रेज करना है, आपको IPO लेके आना है, तो क्या ये पॉसिबल है? नो. प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने शेयर्स बाजार में बेच नहीं सकती. दे कैन नॉट कम अप विथ एन IPO. दैट इज प्रोहिबिटेड. समझ में आ गया? 3 पॉइंट. चलो रिपीट करो, उसके बाद और कॉम्प्लिकेशन, और चीजें डिटेल्स में बताता हूं मैं. 3 पॉइंट्स, व्हाट इज दैट? प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कितना होता है? 1 लाख रुपया. एंड जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 पॉइंट्स होते हैं. कौन से 3 पॉइंट्स होते हैं सर? पहला, लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर. प्रोहिबिट्स इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट शेयर एंड सिक्योरिटीज. अब यहां पर 2-3 चीजें के बारे में मैं बात करूंगा. पहला, रेस्ट्रिक्ट्स एंड प्रोहिबिट्स दोनों के बीच में क्या फर्क है? चलिए मैं बोलता हूं कि ये चीज करने में रेस्ट्रिक्शन है, ये चीज करने में प्रोहिबिशन है, क्या फर्क है? कोई फर्क पड़ा? अरे कोई फर्क पड़ा रेस्ट्रिक्शन में और प्रोहिबिशन में कि दोनों सेम ही सेम है? रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि अगर ये चीज आपको करनी है तो ABCDE ये कंडीशंस होंगी, इसको आप पूरा करो तो वो चीजें कर पाओगे. पर प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है कि आप A से Z तक भी कंडीशन कंप्लाई कर लो, 100 कंडीशन और कंप्लाई कर लो, ये आप कभी भी नहीं
कर पाओगे। मतलब क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को बेचना प्रोहिबिटेड है? नहीं, वो रेस्ट्रिक्टेड है। क्या प्राइवेट कंपनी बाहर वालों को अपने शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट कर सकती है? नहीं, वो प्रोहिबिटेड है। समझ में आ रही है दोनों बातें? ऑल ऑफ यू? यस। एक महत्वपूर्ण खुलासा मेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। मैंने क्या बोला, प्राइवेट कंपनी क्या होती है? कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख। चेक कीजिए इसको, शांति से पढ़िए। कुछ दिखता है आपको? किसी को कुछ दिखा या किसी ने पढ़ा ही नहीं है? क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है? यस सर। व्हाट इज दैट? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट की तरफ नजर डालिए जरा। द वर्ड्स 1 लाख रुपीज और सच हायर पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी ओमिटेड। उसका मतलब क्या होता है? प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख। डिलीट हो चुका है। मतलब क्या मैं आज की तारीख में एक प्राइवेट कंपनी 10,000 के शेयर कैपिटल के साथ चालू कर सकता हूं? यस। प्राइवेट कंपनी का जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, विच वॉज 1 लाख रुपीज ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हैज बीन डिलीटेड। और अभी मैं प्राइवेट कंपनी 50,000, 5,000, 10,000, 1,000 के शेयर कैपिटल के साथ भी शुरू कर सकता हूं। क्या समझ में आई बात सबको? यस। सो दैट इज द अमेंडमेंट ब्रॉट अप बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। ऐसी छोटी छोटी अमेंडमेंट पे ध्यान रखना आपका काम है। मैं हर बार उनको हाईलाइट करता रहूंगा, उनको ध्यान रखना आपका काम है। इसी के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन एग्जाम में, इतना ध्यान रखिएगा। फिर बच्चे स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल के बाहर आके बोलते, अरे यार पेपर क्या टफ था। टफ कुछ नहीं था, आपने पढ़ा ही नहीं था कि ये प्रोविजन चेंज हो चुका है। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखिए, आपका पेपर बहुत सरल जाएगा। ठीक है? सो दैट्स योर प्राइवेट कंपनी, 3 पॉइंट्स, लिमिट्स, रेस्ट्रिक्स एंड प्रोहिबिट्स। चलो ठीक है सर, ये तो प्राइवेट कंपनी हो गई, तो पब्लिक कंपनी क्या होती होगी? अगर प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में 3 पॉइंट है, तो पब्लिक कंपनी क्या होती है? बहुत सिंपल है, क्या होगी? पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। कितना होता है यहां पे? पब्लिक कंपनी का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होता है? चलिए याद कीजिए, चलिए चलिए, पब्लिक कंपनी का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होता है 5 लाख। ओके, सो पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, एंड इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मैं प्राइवेट कंपनी कभी कहलाता हूं? जब भी मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 होते हैं, जब भी मेरा शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड होता है, जब भी इनवाइटिंग पब्लिक प्रोहिबिटेड होता है। मतलब अगर मैं पब्लिक कंपनी हूं जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं होता है, तो क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2,000 हो सकते हैं? यस सर। 2 लाख हो सकते हैं? यस सर। कोई अपर लिमिट है? नो सर। क्या इसके शेयर्स में फ्रीली ट्रांसफर कर सकता हूं? यस सर। मैं पब्लिक कंपनी हूं, मुझे मार्केट से पैसा चाहिए, क्या मैं लोगों को बुला के मेरी कंपनी के शेयर्स दे सकता हूं? यस सर। अरे समझ में आई बात किसी को? ऑल ऑफ यू? यस। सो पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। यहां पर भी एक महत्वपूर्ण खुलासा होगा कुछ ही देर में, समझ के रखिएगा। एक और पॉइंट होता है,